कट कर देते हैं अपने हिसाब से। ये पारपा गांव के अंतर्गत यहां पर लगातार सूचना आ रही थी कि यहां मगरमच्छ आया हुआ है, तो कुछ दिन पहले इससे पहले भी हमारे द्वारा वहां टीम लगा के सर्च अभियान चलाया गया था जिसमें तालाब का पानी निकाला गया था, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण ये मगरमच्छ वहां से निकल गया था। तो अब ये फिर कल सूचना आई थी हमारे पास कि वो मगरमच्छ फिर से वहाँ पर आ गया है, तो मेरे द्वारा वहाँ टीम लगाई गई थी। यहाँ पर कृष्णा और दीपक ये लोग हैं हमारी टीम में, नितेश हैं, यहाँ अनुज जोशी हैं, यहाँ पूरी टीम मेरे द्वारा बनाई गई थी और इनके द्वारा वहाँ चारों तरफ तालाब के जाल लगाया गया था। तो सुबह 3:30 बजे के आसपास जैसे ही वो बाहर निकला तो जाल में फंसा और ग्रामीणों की वजह से और हम लोग पूरे स्टाफ की वजह से उसको पकड़ के हम लोग सुरक्षित ले आए हैं। अब इसको छोड़ने की कार्रवाई आगे की जाएगी। ये करीब 3 घंटे आसपास रेस्क्यू चला हमारा। ये नर है और ये करीब 6 से 7 फुट। 15 दिन पहले भी रेस्क्यू चलाया गया था? हाँ हाँ, रेस्क्यू चला गया। कहाँ भाग गया था, क्या हुआ तब? ये पानी ज्यादा होने की वजह से पड़ोस में एक नहर थी, नहर में चला गया था। लेकिन ये मगरमच्छ होने की संभावना है वहाँ पे? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने बकायदा सर्च करा है, अभी तो कुछ वहाँ ऐसा नहीं मिला है, लेकिन अभी दोपहर बाद फिर एक बार टीम और जाएगी वहाँ पर और फिर से सर्च अभियान पूरे तालाब को छाने के लिए।